सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का 13 चैप्टर करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में मैंने सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट हैंड थंब रूल और सर्कुलर लूप, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर को पूरा फर्दर कंटिन्यू रखना है या फिर आगे वाले टॉपिक्स को और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखें, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। नाउ आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ द लेफ्ट हैंड इज स्ट्रेच्ड इन अ वे दैट द इंडेक्स फिंगर द मिडल फिंगर एंड द थंब आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देन द इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ अ स्ट्रेच्ड लेफ्ट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट रिस्पेक्टिवली। आई नो समझ में आपको कुछ भी नहीं आया होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, बट ये सिर्फ इसलिए क्योंकि CBSE में या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आप देंगे तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अगर वो आता है तो आपको कहीं से भी ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पूरा लिख दिया है ताकि आप यहाँ से इजीली डायरेक्ट लर्न कर लें। इसको मैं अभी आगे डायग्राम से आपको और अच्छे से समझा दूंगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिस्पेक्टिवली एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आर सिमिलर टू थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अब इस डायग्राम में देखिए, थंब मोशन शो करता है, फिंगर फील्ड एंड करंट। अब ये तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये मैंने ग्राफ की फॉर्म में दे रखा है, जब मैंने एक्सिस बोले एक्स वाई और जेड, तो फील्ड मोशन एंड करंट, ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। मैनी डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा वर्क ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, वन मार्कर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सब के हैंड रिटन नोट्स आपको PDF की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा जितना ज़्यादा बड़ा है, राइट हैंड रूल उतना ही छोटा और उतना ही ज़्यादा ईजी है। If the right hand is structured in a way that the index finger, middle finger and the thumb are in mutually perpendicular direction, then the thumb shows the direction of induced current in the conductor. अगर हम left hand rule की बात करें और right hand rule की, तो दोनों में similarity ये है कि ये तीनों fingers एक दूसरे के mutually perpendicular हैं, but left hand rule में thumb motion show करता है और right hand rule में thumb की direction या thumb का use मूवमेंट ऑफ कंडक्टर के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज मिडल फिंगर एंड थंब आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर। ये आपका राइट हैंड रूल है। अब इसमें एक्स वाई और जेड वही एक्सिस हैं जो हमने लेफ्ट हैंड रूल में लिए थे। द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑल्सो पॉइंट टू एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट वेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूवमेंट ऑफ करंट आर परपेंडिकुलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट वुड बी मैक्सिमम। ये भी वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि किस सिचुएशन में या कब मैग्नीट्यूड है जो इंड्यूस करंट है उसका मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज इन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूजेस की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल दोनों में आपको पता होना चाहिए वन मार्कर क्वेश्चन के लिए। AC एंड DC करंट। अब आप 10th स्टैंडर्ड में आपको पता है कि अभी CBSE का पैटर्न चेंज हो गया, हमारे पास वन मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो प्लीज ईच एंड एवरी लाइन को पढ़िए और NCERT से एक एक लाइन के नोट्स बनाया कीजिए या फिर उनको क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा कीजिए ताकि कहीं से भी वन मार्कर क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकें।
Now AC and DC current. AC means alternate current and DC means direct current. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा important है और इसके ऊपर question definitely आता ही आता है. दोनों में difference पूछा जा सकता है या single one को define करना पूछा जा सकता है या फिर इनके advantages पूछे जा सकते हैं. इसके questions के लिए इस chapter के जितने भी important questions हैं जो exam में बार बार repeat होते हैं या पूछे जा सकते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी. लेकिन साइड बाय साइड इस वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट बताया है और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट बताया है, तो उनको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा. नाउ ऑल्टरनेट करंट. करंट इन विच डायरेक्शन इज चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट. जब कभी भी डायरेक्शन चेंज होती है, पीरियोडिकली का मतलब होता है ऑल्टरनेट टाइम पर. नाउ In India, most of the power station generate alternate current. The direction of current changes after every 100 second in India. That is the frequency of alternating current या AC in India is 50 hertz. और अगर supply की बात करें तो वो 240 voltage की होती है. Now AC is transmitted up to a long distance without much loss of energy is advantage of AC over DC. एक तो first advantage यहाँ पे है, इसके अलावा मैंने next page पे कुछ advantages भी लिखवाए हुए हैं. और ये क्वेश्चन आपका वन मार्कर में पूछा जाता है कि इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट में अगर फ्रिक्वेंसी में मेजर किया जाए तो कितना होता है, तो वो 50 हर्ट्ज होती है. ये दो ग्राफ की फॉर्म दे रखी है मैंने. फर्स्ट है अल्टरनेट करंट एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट करंट, एसी एंड डीसी. अल्टरनेट करंट पीरियोडिकली होता है, डायरेक्ट करंट एकदम रेगुलर इंटरवल पे होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज डीसी, डायरेक्ट करंट. करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. अब इसमें देखिए सिंपल एक डायरेक्शन है, करंट फ्लो कर रहा है, इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करती हैं. एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्लीज इसको लर्न कीजिएगा. आप 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 1 मार्कर, वो वेटेज डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स आपसे पूछा जाता है. Advantages of AC alternating current over DC. Cost of generator of AC is much less than that of DC. Second one is AC can be easily converted to DC. AC can be controlled by the use of choke which involves less loss of power, whereas DC can be controlled using resistance which involves high energy loss. AC can be transmitted over long distance without much loss of energy. AC machines are short and durable and do not need much maintenance. Next one is disadvantages of AC. AC cannot be used for the electrolysis process or showing electromagnetism as it reverses polarity. AC is more dangerous than DC. अब अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आई हो, तो प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछेगा. और इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम जितने भी चैप्टर में डिवाइसेज हैं लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं. तो प्लीज देखते रहिएगा इस वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.